हेलो गाइज, मेरा नाम है नमन और आप देख रहे हैं एंड्रॉयड। और यहाँ पे आज के अपने इस वीडियो में आपके सामने एक टेस्ट लेके आया हूँ जो कि है रियलमी एक्स टू प्रो डिवाइस में जो वीडियो के अंदर बोके मोड दिया गया है उस फीचर का टेस्ट। तो फिलहाल मैं यहाँ पे इसका फ्रंट कैमरा यूज़ कर रहा हूँ और इंडोर लाइटिंग कंडीशन में ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। हालांकि लाइटिंग मैंने यहाँ पे इनफ लगाई हुई है, सामने से भी और इस तरफ से भी लाइट वाइट आ रही है, तो लाइटिंग तो काफ़ी ठीक है यहाँ पे इंडोर्स में भी। बट ओवरऑल जो क्वालिटी है आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रंट कैमरा में आपको किस तरह की क्वालिटी मिलेगी। अब यहाँ पे मैं साउंड इसमें इंटरनल नहीं यूज़ कर रहा हूँ फिलहाल, क्योंकि इंटरनल साउंड आप सुनेंगे तो कुछ इस तरह से आपको बेकार सा सुनाई देगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे एक्सटर्नल माइक यूज़ कर रहा हूँ, तो उससे साउंड को यूज़ करूंगा ताकि आपको सब कुछ सही से एक्सप्लेन कर सकूं। तो यहाँ पे ये वीडियो के अंदर जो बोके मोड दिया गया है खास करके क्रिएटर्स के लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। अगर आप DSLR में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि सिंपल एक फ़ोन परचेज कर लें और उसके फ़ोन वाले फीचर्स भी यूज़ करें और वीडियो शूट करने के लिए भी उसे यूज़ करें तो बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे जितना मैंने इसे यूज़ किया है, एज डिटेक्शन का इशू है थोड़ा बहुत, देख सकते हैं यहाँ पे आसपास के जो एजेस हैं ये कई बार कान और कुछ यहाँ के पार्ट्स कई बार वो स्मज्ड हो जाते हैं बैकग्राउंड में, कि ब्लर हो जाते हैं थोड़ा सा, लेकिन ओवरऑल जितना मैंने इसे यूज़ किया मेरे को काफ़ी सही लगा, इसकी क्वालिटी मेरे को काफ़ी बढ़िया लगी। और सबसे कमाल की बात कि आप बोके को एडजस्ट भी कर सकते हैं। अभी मैंने इसे तकरीबन 51% पे रखा हुआ है बोके को, अगर चाहें तो और ज़्यादा भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे तो बहुत ज़्यादा अननेचुरल लगेगा वो। अब सबसे कमाल की बात यह है कि ये फ्रंट एंड रेयर दोनों ही कैमरा में वर्क करता है, यानी फ्रंट एंड रेयर दोनों ही कैमरा से आप शूट करेंगे वीडियोज़ तो वहाँ पर आपको बोके इफेक्ट का ऑप्शन मिल जाएगा वीडियोज़ के अंदर। और यहाँ पे सब्जेक्ट को काफ़ी कमाल तरीके से फोकस में रखता है और ये बढ़िया फीचर है, मेरे को काफ़ी सही लगा और मैं चाहता हूँ कि आगे आने वाले डिवाइसेस में ये ज़रूर आए और भी जो कंपनीज हैं वो भी इस फीचर को ज़रूर लेके आएँ, क्योंकि ये काफ़ी बढ़िया ऑप्शन हो जाता है। अगर आउटडोर्स में आप शूट करते हैं तो आपको और भी कमाल के रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि रेयर कैमरा से ये कैसे परफॉर्म करता है, और अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके रेयर कैमरा से आपको किस तरह के रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे बोके मोड में। तो देख सकते हैं ये वीडियो बोके मोड में शूट हो रही है रेयर कैमरा से, थोड़ा सा नॉइज़ आ रहा है आपको बट इग्नोर करिए उसे, बट यहाँ पे कुछ इस तरह के आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। तो मेरे को ये टेक्नोलॉजी काफ़ी सही लगी। हालांकि सैमसंग डिवाइसेस में भी हमने जो रिसेंटली नोट 10 प्लस आया था आई थिंक उसमें ये फीचर दिया गया था, जो कि पर्सनली मेरे को काफ़ी सही लगा था। और आप बताइए कि आपको ये फीचर कैसा लगा। और यहाँ पे भी जो बोके का लेवल है वो 60% है, आप चाहें तो इसे अपने अकॉर्डिंग इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। लेकिन बस आपको यहाँ पे इतना बताना चाहूँगा कि रेयर कैमरा से जब हम इसे शूट करते हैं तो फुल HD 60 FPS पे ये काम नहीं करता है, फुल HD 30 FPS में ऑटोमेटिकली स्विच हो जाता है जैसे हम बोके मोड पे स्विच करते हैं वीडियो के अंदर। तो फुल HD 30 FPS में आपको बोके मोड देखने को मिल जाएगा फ्रंट एंड रेयर दोनों ही कैमरा से, जो कि यार रियलमी ने काफ़ी कमाल का काम किया है। और पर्सनली मेरे को ये फीचर बहुत ही मस्त लगा, मैं 10 बार इस चीज़ को बोल चुका हूँ बट एक्चुअली मैं फीचर मस्त लगा। आप कमेंट करके बताइए कि भाई आपको ये फीचर कैसा लगा। बाकी आज वीडियो फिलहाल इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।